जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है गैशियस एक्सचेंज। हमने अब तक जो पढ़ा है वो अब तक हमने डिस्कस किया हुआ है कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है। एयर पैसेज पढ़ा, लंग्स पढ़े, उसके बाद ब्रीथिंग का मैकेनिज्म पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब डिसऑर्डर क्या होता है? किसी भी ऑर्गन के या टिश्यू के डैमेज होने की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गन के या टिश्यू के डैमेज होने की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो इसको हम कहेंगे डिसऑर्डर ड्यू टू इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर किसी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से जो भी डिसऑर्डर होगा उसको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहेंगे। बेटा जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं, उसके अंदर पोल्यूशन ज़्यादा है। तो पोल्यूशन की वजह से ये पाकिस्तान के अंदर क्या है, ये अबंडेंट है। जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है पाकिस्तान के अंदर अबंडेंट है, ज़्यादा है। ठीक है, मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं। पहला डिसऑर्डर हम डिस्कस करते हैं ब्रोंकाइटिस। अब बेटा ये जो ब्रोंकाइटिस का वर्ड है इसमें दो चीज़ें, यहाँ तक ब्रोंकाई और टीआईएसटिस। ब्रोंकाई से हम दो चीज़ें लेते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल, और टीआईएसटिस का मतलब होता है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सोजश, सूज जाना। तो इसको हम डिफाइन करेंगे इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल। ब्रोंकाई में या ब्रोंकियोल के अंदर अगर किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि इस तरह से, तो उस इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहेंगे, उस इन्फ्लेमेशन को हम नाम देंगे ब्रोंकाइटिस का। ठीक है, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इफ़ेक्ट्स इसके क्या होंगे कि जब ब्रोंकाइटिस होगी तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? इफ़ेक्ट्स ये होंगे कि उस ब्रोंकाई के अंदर या ब्रोंकियोल के अंदर, इस तरह से ब्रोंकाई है, इस तरह से ब्रोंकाई है, पहले ये ट्यूब ओपन है। ठीक है, अब क्या होगा जब किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन होना, तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होना है, इसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जानी है, इसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। जो ग्लैंड्स होंगे, जो म्यूकस ग्लैंड्स होंगे, उनका काम हो जाएगा एबनॉर्मल, वो एबनॉर्मल तरीके से काम करेंगे और इस ट्यूब के अंदर म्यूकस की जो प्रोडक्शन होगी वो बढ़ जाएगी। जब म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो पहले तो एयर को जाने के लिए रास्ता खुला था, लेकिन अब आ गया म्यूकस है, म्यूकस है तो इसके अंदर टिश्यू डैमेज हुए हैं, टिश्यू डैमेज होने की वजह से ये स्वेल कर जाएगी, ये फूलना शुरू, इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली, इंटरनली इसके अंदर सोजिश आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, नैरोइंग ऑफ ट्यूब। ये जो ट्यूब होगी एयर के गुजरने के लिए रास्ता नैरो हो जाएगा, कि पहले ट्यूब ऐसे ही थी, अब वो क्या होती जाएगी, उसका साइज़ नैरो होता चला जाएगा, वो बहुत ज़्यादा नैरो होती चली जाएगी। ठीक है, तो एयर इसमें से नहीं गुजर सकेगी। अब इसकी कुछ कॉजेज़ हैं, कुछ इसकी वजूहात हैं कि जो ब्रोंकाइटिस है होती क्यों है। ब्रोंकाइटिस की सबसे पहली वजह तो है बैक्टीरिया। अगर कोई बैक्टीरिया ना वो नेजल कैविटी में ट्रैप हुआ, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो नेजल कैविटी में ट्रैप नहीं हुआ, वहाँ पे उसको एयर को फिल्टर नहीं किया गया, वो चला गया, वो ब्रोंकाई तक पहुँच गया, वो फिर जाके उसको ख़राब करेगा ब्रोंकाई को। ठीक है, या कोई वायरस है, वायरस नेजल कैविटी के अंदर ट्रैप नहीं हुआ, ठीक है ना, वो ट्रैकिया में ट्रैप हुआ, ब्रोंकाई तक पहुँच गया, ठीक है, वो फिर जाके ब्रोंकाई को ख़राब करेगा। ठीक है, केमिकल इरिटेंट्स। केमिकल इरिटेंट्स में ज़्यादातर आता है टबैको स्मोक। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें टबैको स्मोक के अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स होते हैं, और वो जो केमिकल्स हैं वो फिर जाके हमारे ब्रोंकाई के और ब्रोंकियोल के टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, और ये वाला काम होना शुरू हो जाता है, म्यूकस ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है और ट्यूब नैरो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर द कॉजेज, ये तीन इसके मेजर कॉज हैं जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकती है। उसके बाद बेटा इसकी टाइप्स हैं। ब्रोंकाइटिस दो तरह की होती है। कुछ जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ब्रोंकाइटिस है वो ऐसा होता है कि जल्द ठीक हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो जल्द ठीक नहीं होते। दो हैं, एक को हम कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक को हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। मतलब दोनों का एक है, उर्दू के अंदर मतलब दोनों का एक है। इसका मतलब यह है शदीद और इसका मतलब भी है शदीद, लेकिन इनकी टाइम ऑफ अक्रंस जो है उसके अतबार से ये डिफरेंट है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये तकरीबन 3 हफ्तों में ठीक हो जाती है,
जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये लेस इफेक्टिव होती है, डैमेजिंग इफेक्ट इसका कम होता है, ये 3 हफ्तों में ठीक हो जाती है और पेशेंट को किसी किस्म का कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि उसकी ब्रोंकाई टोटली डैमेज हो गई है या उसका ब्रोंकियोल टोटली डैमेज हो गया या उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम टोटली डैमेज हो गया, ऐसा नहीं होता। परमानेंट डैमेज नहीं होता पेशेंट को और वो 3 हफ्तों में ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ज़्यादा सीवियर होती है। इसमें क्या होता है, ये 3 हफ्ते से लेके 2 सालों तक रहती है। जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये 3 हफ्ते से लेके 2 साल तक रहती है। जब अगर कोई बीमारी किसी पर्सन को 2 साल तक रहेगी तो ऑटोमेटिकली उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। तो पेशेंट को यहाँ पे परमानेंट डैमेज होगा। जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर पेशेंट को परमानेंट डैमेज होगा। और जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है 45 ईयर्स, वो लोग जिनकी एज 45 ईयर से ज़्यादा होती है, 45 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के। ठीक है बेटा, इसकी अलामत हैं मुख्तलिफ तरह के, इसके सिम्टम्स हैं। पहला इसका सिम्टम है कफ, मतलब उस बंदे को जिसको ब्रोंकाइटिस होगी उसे खांसी आएगी, कफिंग होगी। ठीक है, नंबर 2 माइल्ड वीजिंग, जब वो सांस लेगा तो सांस के साथ मुख्तलिफ तरह की आवाज़ आएगी, जैसे उसकी जो चेस्ट कैविटी है वहाँ पे कोई किसी किस्म की म्यूकस है, रेशा बलगम जो है वो जमा हुआ वहाँ पर, इस तरह की आवाज़ आएगी, माइल्ड वीजिंग, आवाज़ उसकी भारी हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस प्रॉपर नहीं आएगा, सांस उसको आएगा रुक रुक के आएगा, सही तरीके से वो सांस नहीं ले सकेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो म्यूकस है, एयर जा ही नहीं रही, ना ही एयर जा रही है ना ही एयर आ रही है। ठीक है, इसलिए उसे सांस रुक रुक के आएगा। चिल एंड फीवर, उसे ठंड भी लगेगी और बुखार भी होगा। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारे पास एम्फिसीमा। अब एम्फिसीमा के अंदर क्या होता है, एम्फिसीमा के अंदर जो हमारी एल्वियोलाई होती है, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है लंग्स के अंदर, वो एल्वियोलाई क्या करती है, एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलाई की ये जो वॉल्स होती हैं, एल्वियोलाई की वॉल्स टूट जाती हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है एल्वियोलाई की वॉल्स की, इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई इज कॉल्ड एम्फिसीमा। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं, जब एल्वियोलाई की वॉल्स डिस्ट्रॉय होंगी तो डेफिनेटली जैसे ब्रोंकाइटिस के अंदर वो ब्रोंकाई स्वेल हुई है, इसी तरह एल्वियोलाई भी स्वेल होगी। तो ये जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई की वॉल्स जब डिस्ट्रॉय होती हैं तो ये सैक का साइज बढ़ जाता है, सैक का साइज बढ़ जाता है, थैली का साइज बढ़ जाता है, लेकिन साइज तो बढ़ जाता है, दूसरा इफेक्ट क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। ये जो कन्वुलजन है, ये जो इसके अंदर ये जो बल पड़े हुए हैं, जितने ज़्यादा बल पड़े होंगे उतना इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जितने ये वॉल्स टूटती हैं, वॉल्स के टूटने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, लंग्स एक्सहेलेशन के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते। बिल्कुल इसी तरह से मैं एग्जांपल दूंगा कि आपके पास एक बैलून है, आप उस बैलून के अंदर एयर ब्लो करते हो, उसको हवा से भर देते हो, वो फट जाता है, आपने उसको हवा से भरा, उसको कंप्रेस किया, वो फट गया, हवा उसमें से निकल गई, क्या आप उसमें दोबारा हवा भर सकोगे, उसमें दोबारा हवा आप नहीं भर सकोगे क्योंकि वो फट चुका है, उसकी वॉल डैमेज हो चुकी है। तो इसी तरह एल्वियोलाई की वॉल जब डैमेज हो जाती है तो इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, एयर जाती ही नहीं है, एयर रुकती ही नहीं है। ठीक है, एयर अगर जाएगी भी तो लंग्स एक्सपैंड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वॉल्स डैमेज, उसकी वॉल्स के अंदर इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक, अब इसकी कॉजेज है, इसका जो कॉज है वो है टबैको स्मोक, स्मोकिंग की वजह से ये ज़्यादा होती है। अलामत इसकी, सबसे पहली सिम्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस प्रॉपर नहीं आएगा, सांस सही तरीके से नहीं आएगा उस पर्सन को। फटीग, उसको अपने जिस्म के अंदर थकावट महसूस होगी, क्यों थकावट क्यों महसूस होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रही, उसके मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसके मसल्स काम नहीं कर रहे, उसको थकावट महसूस होना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ रीअकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, के उसे बार बार उसका जो रेस्पिरेटरी, एक टिशू सही हुआ दूसरा टिशू डैमेज हो गया, दूसरा सही हुआ तीसरा टिशू डैमेज हो गया, तो बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता जाएगा। नेक्स्ट वन वेट लॉस, उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मसल्स के अंदर रेस्पिरेशन नहीं हो रही, एनर्जी नहीं निकल रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही। ठीक है, तो वेट लॉस, वेट उसका कम होना शुरू हो जाएगा। और ये तमाम अलामत ज़ाहर होने से पहले तक, ये तमाम अलामत जब तक ज़ाहर होती हैं उस वक्त तक
50-70% लंग टिश्यू डैमेज हो चुका होता है। जब ये अलामत, जब ये सिम्टम्स ज़ाहर होते हैं, जब उस पर्सन को पता चलता है कि मुझे एम्फिसीमा है, उस वक्त तक उसका 50-70% लंग टिश्यू डैमेज हो चुका होता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे दो डिसऑर्डर हैं, बाकी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।